एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. फिगर शोज अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, कैपिटल m दिया हुआ है, दैट हैंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन. टू बीट्स ऑफ मास स्मॉल m आर रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बीड एंड द रिंग. शो दैट द रिंग विल स्टार्ट टू राइज इफ स्मॉल m इज ग्रेटर देन 3m बाई 2. उसके बाद फिर दिया हुआ है, इफ m इक्वल टू 2m, at what angle theta from this vertical will this happen? Okay. सबसे पहला चीज आपको ये strategize करना चाहिए क्योंकि ये ring मतलब rise क्यों करेगा? Ring इसलिए rise कर सकता है क्योंकि initially देखोगे अगर आप, तो जैसे bead जब ये इसके ऊपर slide कर रहे हो ऊपर से नीचे, तो उस केस में ऊपर से नीचे slide करते वक्त ये आराम से कि इधर से नीचे slide करेगा, तो उस केस में bead जो होगा वो initially, जैसे ऐसा आप surface मान करो ये रिंग का सरफेस है और ये बीड में देखो इसके साइड में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ऐसा एक बीड का इमेजिन करो, ये बीड है हमारा. तो इनिशियली जो बीड के लिए, जो बीड का सरफेस अगर मैं दिखाऊं, तो इनिशियली ये वाला वॉल इनिशियली इधर से डायग्राम जैसे दिखाता हूं, ये वाला वॉल जो है, मतलब जो इसका आउटर वॉल है बेसिकली, आउट मतलब बाहर की तरफ, वो वाला वॉल पे कांटेक्ट बनेगा, है ना, क्योंकि ये ऐसे स्लाइड करके जा रहा होगा ना इसके ऊपर, ऐसे घिस के जा रहा होगा, राइट? यस सर, यस यस सर, यस सर. इसलिए कांटेक्ट जो होगा इस तरफ ऊपर की तरफ बना रहेगा रिंग के लिए, बीड के लिए जो है. बट अगर अगर जैसे ही सोचोगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब इस पे आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब रिंग के फ्रेम से अगर सोचे तो रिंग के फ्रेम से सोचे तो फिर देख रहा है ये गोल गोल घूम रही है. अब ऐसा फ्रेम इमेजिन करें जो इसके साथ साथ गोल गोल घूम रहा है, तो सेंटर पे इमेजिन करते हैं अपने आप को लोकेटेड, जो रिंग का सेंटर है उस पे, सेंटर पे इमेजिन करते हैं लोकेटेड, बट इसके साथ साथ हम भी घूमेंगे, वैसा एक रोटेटिंग फ्रेम ले लेते हैं. तो इस पे दिखेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ लगेगा. वी बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ जो है, ये एम जी का जो सेंटर की तरफ कॉम्पोनेंट है उससे बड़ा हो जाएगा. और जैसे ये वाला कंपोनेंट अगर mg के कंपोनेंट से बड़ा हो गया, तो अब रिएक्शन फोर्स जो आएगा वो अब आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा. इस इंस्टेंट पे जीरो होने का मतलब है कि नेक्स्ट इंस्टेंट पे स्पीड जब और बढ़ेगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ के अब इसको इनर वाला वॉल जो होगा, ये इनर वाला वॉल मतलब नीचे की तरफ जो वॉल होगा उस पर कॉन्टैक्ट पे ले आएगा. मतलब फिर जो स्लाइडिंग होगा तो उस केस में आपका कॉन्टैक्ट इधर से बना के चलेगा. आपको समझ आ रही है? ठीक है. तो इस हाफ में जब ये सोच के देखो, जब ये कांटेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इस इंस्टेंट पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, ठीक है, जहां पे मैंने दिखा रखा है. तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने से पहले जो नॉर्मल रिएक्शन इस रिंग पे लग रहा होगा, बीड पे नहीं, रिंग पे, वो आपका अंदर की तरफ लगेगा, है ना. बट उसके बाद फिर जो रिएक्शन लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा ना. यस यस, आर यू गेटिंग इट? यस सर, यस सर. तो देखो, अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने के बाद वाला जो इंस्टेंट पे मैंने नॉर्मल रिएक्शन दिखा रखा है, वो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली ऊपर की तरफ है. और ये ऊपर का कंपोनेंट अगर, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अगर इस नॉर्मल रिएक्शन का ले लें, तो वो अगर रिंग के मास से बड़ा हो गया, तो उसके मास के वेट, मतलब मास के करस्पॉन्डिंग वेट से बड़ा हो गया, तो उसके इसमें क्या करेगा, रिंग को उठा देगा, नहीं उठा देगा? उठा देगा ना. हां सर, हां सर. तो बस थ्योरी मेन यही इन्वॉल्व्ड है कि रिंग कैसे उठ रहा है, आपको वो सोचना था पहले. एक बार अगर आपने ये रियलाइज कर लिया तो अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. तो मैं अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करता हूँ. जैसे यहाँ पे डायग्राम इसका छोटा सा है, मैं बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा. तो ये मेरा रिंग है और यहाँ से ये वर्टिकल डायमीटर एक ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमीटर है. जो एंगल्स मार्क करना है मुझे, सो मैंने इधर से ही मान लेते हैं ये एंगल थीटा ले रखा है, तो इधर से भी थीटा होगा और बीड्स इसके ऊपर स्लाइड करके आए हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनके पास वेलोसिटी भी होगी. ये वेलोसिटी कितनी होगी ये आप आराम से निकाल सकते हैं. कैसे? ये हाइट से. वर्क एनर्जी से. तो यहाँ से ये वाली लेंथ आपको दिखी रही है, r है r cos theta, तो ये हो जाएगा r into 1 minus cos theta.
और इसके करस्पॉन्डिंग अब आपको पता है कि इस पे वेलोसिटी जो होगी, ये v की वैल्यू को हम श्योर होकर ले सकते हैं रूट अंडर 2gh, मतलब रूट अंडर 2gr इनटू 1 माइनस cos थीटा। यहां तक तो क्लियर है ना? हां सर। यस सर। हां सर। यस सर। अब इसके ऊपर बाकी फोर्सेस एक बार दिखाएं, इस पे क्या-क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहां पे एक तो mg लग रहा होगा, ठीक है। आपको नॉर्मल रिएक्शन इस बार किधर दिखाना है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर से। गलत। बाहर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ दिखाना है? रिंग पे अंदर की तरफ दिखाना है। रिंग पे कह रहा हूँ, ये बीड क्या हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो बीड पे तो फोर्स अंदर की तरफ। हाँ हाँ। ओके सर। हाँ मैंने रिंग का, मैंने रिंग पे दिखाओगे तो बाहर दिखाओगे। देखो अब ये रिंग पे आप दिखाना चाहते हैं तो इधर दिखाइए, ये रिंग पे है, रिंग पे आपका बाहर की तरफ होगा, बीड पे आपका अंदर की तरफ होगा। हम तो बीड का फ्री बढ़ेगा वहां पे ड्रॉ। और सेम चीज तो आप यहाँ पे भी इसके लिए भी दिखाओगे, एकदम सेम सिनेरियो इसके लिए भी होगा। इसके लिए भी आपका mg नीचे की तरफ, यहाँ से भी एक रिएक्शन फोर्स इसको मिल रहा होगा n सेंटर की तरफ, और रिंग पे आपका ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा होगा, ठीक है। और रिंग का अपना वेट तो है ही, कैपिटल m2g। और अगर ये ऊपर उठना शुरू होगा, सोच के देखो, ऊपर उठना शुरू होगा तो यहाँ का जो टेंशन है जिससे ये सस्पेंडेड था, वो टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो। राइट? क्यों? सिंस रिंग just starts to move up, to move up, ठीक है, तो उसको slack करवा देगा वो। तो ये चीज है। अब velocity तो आपको पता चल ही चुका है, और आपको ये भी पता है कि यहाँ से अगर मैं ये angle को theta mark करूँ, तो bead के लिए अगर आप equation लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? mg cos theta plus the normal reaction that should be equal to m v square by r, right? ये लिखेंगे आप v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2mg into 1 minus cos theta and minus of mg cos theta, ये आ रही है देखो, तो this becomes mg को कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये 2 minus of 3 cos theta आ रही है, ठीक है, this is the value you are getting for normal reaction। अब ये normal reaction को हम use करेंगे ring के लिए, for ring, ring के लिए क्या condition है? Vertical component कितना दिख रहा है? Twice n cos theta, right? और ये जस्ट इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल एम जी, जहां पे कॉन्टैक्ट ब्रेक कर रहा है। अगर कॉन्टैक्ट ब्रेक कराने का इन जनरल कंडीशन पूछा जाए तो क्या होना चाहिए? दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, ये तो लिखेंगे ना, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, इन जनरल कंडीशन पूछे तो जस्ट किस इंस्टेंट पे हो रहा है तब इक्वल टू कर देंगे, बट इन जनरल कंडीशन पूछे तो आप बोलेंगे ऊपर का फोर्स अगर नीचे के फोर्स से बड़ा हो गया तो ऊपर उठ जाएगा, वही कंडीशन लिख रहे हैं। तो यहाँ से एन की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखी है, उसको यूज कर लो। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ n की वैल्यू वाज mg into 2 minus of cos theta, कोई गलो 2 into 1 minus cos theta and into cos theta and this should be greater than or equal to capital m into g, दिख रहा है आपको? The cos theta का 3 होगा, cos theta का 3 होगा कोई कुछ। हाँ हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? देखो भी एक बार चेक करो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो cos theta में क्वाड्रेटिक आ रही है, दिख रही है आपको? Yes, sir. ये आ रही है ना, देखो तो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, समझ आ रही है सभी को? हाँ सर। small m किधर गया? small m किधर गया? कौन सा? small m, small m, ln, ln कहाँ है? small m सर, small m सर। हाँ? small m सर, small m सर, छोटा है। अच्छा, small m को है, गायब भी कर दिया मैंने। ओहो, उसके बिना relation कहाँ से आएगा? ये हो जाएगा 6m और ये हो जाएगा 2m, ठीक है ना अभी? Yes, देखो एक बार, ठीक है? Yes, sir. और कोई भी क्वाड्रेटिक है sir, अगर ये कंडीशन सर 4m, फिर गलत किया मैंने? अरे क्या कर रहा हूँ मैं? अब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक रिलेशन है सोचो, और उस क्वाड्रेटिक में मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब पॉसिबल हो पाएगा? जब कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इसमें तो अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे जस्ट एक चीज,
इसमें मैंने एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कितना माना है इस इंस्टेंट पे, आपको पता चल रहा है जीरो ना, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कितना माना है इस इंस्टेंट पे, जीरो माना है नहीं माना है? Yes, sir. Yes, sir. देखो नहीं तो फिर मैं ये कंडीशन लिख नहीं पाता, कौन सा वो जो एम जी कॉस थीटा प्लस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा है ना, रिंग को तो स्टेशनरी माना है ना मैंने, राइट? क्योंकि अगर रिंग एक्सेलरेट करेगा तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ वो बीट भी एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि बीट तो उसके फ्रेम में है, ठीक है? समझ आ रही है सबको? समझ आ रही है सभी को? यस सर, यस सर। तो इस इंस्टेंट पे एक चीज सोच के देखो, अगर मैंने रिंग का एक्सेलरेशन को जीरो लिया है, इफ आई हैव टेकन द एक्सेलरेशन ऑफ रिंग एज जीरो, तो एक चीज पक्का है कि 2n cos थीटा इक्वल टू mg होगा इस इंस्टेंट पे, है ना? नहीं तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू mg वाला का बात करेंगे, 2n cos थीटा को अगर ग्रेटर देन इक्वल टू mg करोगे तो उस केस में एक्सेलरेशन उसका आ जाएगा रिंग का, अगर ग्रेटर देन वाला कंडीशन लोगे तो रिंग का एक्सेलरेशन आएगा, और रिंग का अगर एक्सेलरेशन आएगा तो बीड के पास भी वो रिंग का एक्सेलरेशन होगा ना? तो इस केस में आप mg cos थीटा प्लस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r नहीं लिख पाओगे, तो हमारे अकॉर्डिंग पे यहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं, ग्रेटर देन जस्ट इक्वल टू का कंडीशन होना चाहिए। आई होप आपको समझ आई है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ये गड़बड़ लिखा था, ये इक्वल टू होगा, एंड इक्वल टू क्यों लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, क्यों? ये चीज का ध्यान रखना, 2n cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू mg अगर लिखा ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सिंस इफ द रिंग एक्सेलरेट्स एक्सेलरेट्स देन द बीड विल ऑल्सो be having the acceleration of ring, ठीक है, and hence ये जो equation हमने लिखा है इसको equation number one कह लेते हैं, equation one would be incorrect, ठीक है ना? okay sir, ठीक है, हाँ अभी देखो इस केस में अब मेरे पास क्वाड्रेटिक आई है और क्वाड्रेटिक का वैल्यू जीरो है, और मुझे अगर ये रियल कंडीशन चाहिए, मतलब सच में ऐसा किसी एंगल पे अगर हो कि कॉन्टैक्ट ब्रेक करे, तो इसका मतलब ये कंडीशन से थीटा रियल आना चाहिए ना, कॉस थीटा रियल आना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक आई है, यस सर, ये क्वाड्रेटिक आई है, इससे कॉस थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट, है ना? रियल नंबर मतलब क्या, कॉस थीटा को आपको यू नो रियल तो होना ही है, ऑल्सो कॉस थीटा का वैल्यू आपको ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू वन भी रखना है ना? तो पहला कंडीशन तो आपको रियल नंबर सेटिस्फाई करना है ना? आसा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए रियल का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो फोर एम का स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्स एम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर इंटू सिक्स एम एंड इधर भी एम है, तो ये एम this should be greater than or equal to zero. समझ आई? Yes sir. Yes sir. तो देखो यहाँ से आपके पास क्या आ रही है? Small m by capital M, this should be greater than or equal to 24 divided by 16. और ये कितना है? 3 by 2 ही तो है. तो इसका मतलब small m should be greater than or equal to 3m by 2. ठीक है? देखो ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया है. उसने ये पहले पूछा था कि show that the ring will start to rise if m is greater than 3m by 2, ये हमने कंडीशन ले लिया है। अब सेकंड पार्ट पे वो गए हैं जहां पे वो कह रहे हैं स्मॉल m का वैल्यू 2m है। अब वो पूछ रहे हैं कि किस थीटा पे ये राइज करना स्टार्ट करेगा, किस थीटा पे राइज करेगा, तो जिस थीटा पे राइज करेगा तो उस थीटा पे जस्ट आपका टेंशन क्या होगा, फिर से जीरो, वही कंडीशन लगाएंगे आप, हां सर, है ना? हां सर, तो आपको तो बस ये जो रिलेशन ऑलरेडी लास्ट में आपने निकाल रखा है माइनस सिक्स एम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फोर एम कॉस थीटा माइनस एम इक्वल टू जीरो, उसी में बस आपको क्या करना है, वो स्मॉल एम और कैपिटल एम का रिलेशन यूज कर लेना है ना? यस सर, यस सर। तो अभी हम वापस से ऐसे कर लेते हैं, सो गिवन स्मॉल एम इक्वल टू 2m, दस ये रिलेशन यूज कर रहे हैं, माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम इज 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2m cos थीटा माइनस ऑफ m इक्वल टू 0, m तो हटा देते हैं यहां से, और यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ रही है, और कॉस्क्वायर थीटा कहाँ चला गया, कॉस्क्वायर थीटा
cos square theta. Plus that's it. So you get minus of 12 cos square theta plus 8 cos theta minus 1 equal to 0. ठीक है ना? हाँ सर. तो यहाँ से क्या आ रहा है? Minus 12 cos square theta plus 6 cos theta plus 2 cos theta minus 1 equal to 0. एंड यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ से 6 cos theta को कॉमन कर ले तो ये जाएगा 2 cos theta minus 1 एंड प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 cos theta minus 1 equal to 0. That's it. So यहाँ से आपके पास cos theta की वैल्यू कितनी आ रही है? Cos theta is coming out to be, एक हो गया आपका हाफ और एक हो गया आपका माइनस 1/6. Cos theta minus 1/6 मतलब obtuse angle, right? है ना? हाँ सर. तो पहला तो कौन से angle पे हो जाएगा? Acute पे ही हो जाएगा ना, contact ऊपर छूट जाएगा. तो second वाला आने का chance ही नहीं है. अगर first angle पे आप contact break मतलब ऊपर उठने नहीं देते, तब second वाला पे situation आता. But पहला वाला तो already पहले satisfy कर जाएगा ना? हाँ सर. ठीक है, तो वही वाला answer हो जाएगा मान ले. तो therefore first मतलब first event जो होगा, first event आपका वही theta equal to 60 degree पे हो जाएगा. ये answer हो जाएगा. और 6 cos theta माइनस 6 cos theta आएगा क्योंकि 2 cos theta माइनस 1 लिखा है यहाँ पे. तो cos theta इक्वल टू हाफ ही तो आ रहा है, 1/6 ही तो आ रहा है. अब यहाँ पे ऑब्वियस नहीं होगा, ठीक है, भी नहीं होगा ये. अभी देखो cos theta का वैल्यू एक हाफ है और एक 1/6 है, तो कौन सा एंगल छोटा होगा? जब वैल्यू छोटा करते हैं तो एंगल बढ़ता है ना? हाँ सर. तो हाँ सर, जब उल्टा है क्या होता है? नहीं, साइन के क्षेत्र में उल्टा होता है. नहीं, साइन के क्षेत्र में उल्टा होता है. साइन में एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगा, बट cos में तो एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा ना? यस सर. यस हाँ सर. इसका मतलब यहाँ से आपको ये तो पता चल रहा है कि cos inverse half value बड़ा है, ये बड़ा है मतलब एंगल छोटा होगा. This will be greater than cos inverse 1/6. उल्टा करें, 1/6 मतलब छोटा वैल्यू, मतलब छोटा वैल्यू मतलब एंगल बड़ा, ये तो होगा. ठीक है ना? ठीक है. हाँ सर. तो इसलिए फर्स्ट इवेंट जो होगा आपका 60 डिग्री पे, वही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. यस सर. यस सर. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सर पिछले क्वेश्चन के बारे में एक बात पूछूं? पिछले क्वेश्चन के बारे में एक बात पूछूं? सर ये अगर जब मल्टी करेक्ट होता तो फिर अगर दोनों आंसर करेक्ट होता तो फिर तो हम दोनों आंसर नहीं हो सकता था. मैं आपको बताता हूं क्यों. मैंने आपको बोला, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं. जैसे जब फर्स्ट टाइम ये इवेंट होगा वो 60 डिग्री पे मान लो हो गया है, ठीक है, इसका मतलब रिंग ऑलरेडी ऊपर उठना शुरू हो गया. हाँ सर. इसका मतलब रिंग के पास ऑलरेडी एक्सेलरेशन आ चुका है. हाँ सर. इसका मतलब कि अब रिंग फिक्स नहीं है. तो जो कॉस इनवर्स 1/6 वाला तुमने निकाला है वो भी तो ये मान के किया है कि तुम्हारा रिंग फिक्स्ड है. हाँ सर. हाँ. है ना, समझ आ रही है तुमको? है ना? यस सर. तो इसलिए वो चीज नहीं. यस सर. रिंग का एक्सीलरेशन आ जा रहा है, रिंग का एक्सीलरेशन आ जा रहा है इसलिए. इसमें देखो, इसमें उन्होंने पूछ रखा है कि एक रिंग है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो वर्टिकल प्लेन का है. उसमें उन्होंने कह रखा है कि हमें स्प्रिंग जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाती है तब के लिए जो रिंग का वेलोसिटी निकालना है. इसमें एक डेटा नहीं दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग नहीं दिया हुआ है. नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये आप मान के चलो, ये आपका 4 मीटर का ये, ठीक है, ये गिवन है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहला चीज आप ये देखो कि आपको स्प्रिंग का लेंथ अभी कितना दिख रहा है, इस इंस्टेंट पे कितना दिख रहा है स्प्रिंग का लेंथ? L by cos 37, L not by cos 37 मतलब 4 by cos 37 है ना? हाँ सर. And 4 by cos 37 मतलब 4 by 5
मतलब ये 5 meters का है, right? है ना? Yes sir. मतलब initial elongation जो है spring वो कितने की है? Initial elongation. 1 meter. In spring. That is 1 meter. ठीक है, मतलब already उसमें एक spring potential जी है. और जब तक ये bead slide करके इस position पे आता है, जब इस position पे पहुंच जाएगा, तब lowest position पे जो हमें निकालनी है, उस वक्त तो spring अपने natural length पे आ चुका होगा. आएगा? Yes sir. Yes sir. इसका, yes sir. तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इस पे, इस रिंग पे किसने किसने वर्क परफॉर्म किया, एक स्प्रिंग ने वर्क परफॉर्म किया है, दूसरा ग्रेविटी ने परफॉर्म किया है, और नॉर्मल रिएक्शन तो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा रॉड के सर्फेस के परपेंडिकुलर लगेगा और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कभी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे वर्क नहीं कर सकता. तो इसीलिए कौन कौन से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक है ग्रेविटी का, दूसरा स्प्रिंग का, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क नहीं हो सकता, ये जीरो लिख लें स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. ग्रेविटी का वर्क विल बी mgh, मतलब mg टाइम्स ऑफ 3 meter. स्प्रिंग का वर्क विल बी चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो नेगेटिव ऑफ फाइनल इज जीरो माइनस ऑफ हाफ ऑफ के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू बी स्क्वायर माइनस जीरो. जीरो तो पहले कोई था नहीं. देखो क्लियर है ना इक्वेशन? क्लियर है? Yes, sir. अब मास तो 10 किलो दिया हुआ है आपको और के का वैल्यू 400 मीटर दिया, 400 न्यूटन पर मीटर दिया है, वो भी यूज करो. तो यहाँ से मास की वैल्यू हम लिख लेते हैं 10 इंटू जी तो 10 ही है और इंटू 3 एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी हाफ ऑफ के विच इज 400 इंटू एक्स आई विच इज 1 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर. देखो सही है, ठीक है ना? एक डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से ये 2 भी हटा देते हैं. ये 2 हटाएंगे तो एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा इधर, यहाँ से 2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है आपके पास 2 3 6 60 प्लस 40 इज इक्वल टू वी स्क्वायर. तो वी तो क्लियरली दिख रहा है, कितना रहा है 10 मीटर पर. ठीक है, आप क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो? देखो एक बार, अ रिंग ऑफ मास 1 केजी, मैं रीड कर रहा हूं, आप एक बार देखो. अ रिंग ऑफ मास 1 केजी कैन स्लाइड ओवर अ स्मूथ वर्टिकल रॉड, अ लाइट स्ट्रिंग अटैच्ड टू द रिंग पासेस ओवर अ फिक्स्ड स्मूथ पुली एट अ डिस्टेंस ऑफ एल इक्वल टू 0.7 मीटर ओके फ्रॉम द रॉड एज शोन इन द फिगर. ठीक है, एल का वैल्यू दिया हुआ है. एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग mass m is equal to 5 kg is attached. Okay, iska mass 1 kg hai aur iska 5 kg hai. This 5 kg. Okay. koi galo. Lying over a smooth frictionless inclined plane fixed. Inclined plane fixed hai. Ye fixed hai. And angle to 37. Okay. Inclination 37 degree di hui. Theek hai. The ring is held in level with the pulley and released. Pehle level pe rakha hua hai, fir release kiya hai. Determine the velocity of the ring when the string makes an angle 37 degrees with the horizontal. Okay. इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं. Okay. इसमें कुछ डेटा पहले देखो, ये L दिया हुआ है तो हमें स्ट्रिंग का लेंथ पता चल रहा है क्या? डू वी नो द स्ट्रिंग का लेंथ नाउ? मतलब कितना नीचे खुल गया है टोटल? L by cos 37? क्योंकि ये तो 37 ही है ना? Yes, sir. ये वाली जो लेंथ होगी, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी L by cos 37, मतलब 4/5, मतलब ये 5L/4 है ना? 5L/4 होने का मतलब है कि एक्स्ट्रा कितना स्ट्रिंग इधर आ गया है, स्ट्रिंग इस तरफ कितना एक्स्ट्रा चला गया, L/4 गया नहीं गया, क्योंकि L डिस्टेंस तो पहले से ही था और एक्स्ट्रा कितना गया, L/4 ही तो गया ना? हाँ सर. Are you getting it? हाँ सर. तो इससे हमने ये पता कर लिया, 5L/4 वाला डिस्टेंस से ये पता चल लिया कि जो कैपिटल M वाला ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ था, उसने इंक्लाइन सर्फेस पे L/4 डिस्टेंस मूव किया है. ठीक है,
ये सबको समझ आया? हाँ सर। हमने इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करा दिया, ठीक है? तो हाइट, तो देखो तो आपको हाइट का चेंज पता चल गया क्या? Do we know the height change now? हाँ सर, L by 4 sin 30. हाँ सर, L by 4 sin 37. तो ये वाली डिस्टेंस हमें पता चल गया, this will be L by 4 into sin 37 मतलब 3 by 5. तो ये जाएगा 3 L by 20 आ जाएगा, ठीक है? ये आपकी हाइट की चेंज हुई है. तो ये वाले मास का देखो, अगर एक वेलोसिटी हम यहाँ पे मान लेते हैं, let's say this is V1, और इस रिंग का वेलोसिटी को अगर मान ले हम यहाँ पे V2, तो स्ट्रिंग कंस्टेंट तो आपको पता ही है ना, स्ट्रिंग के अलोंग लेंथ ऑफ जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए. तो इस स्ट्रिंग के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? ये वाला एंगल देखो कितना है, व्हाट इज दिस एंगल? 53 डिग्री ना. तो इस तरफ का कंपोनेंट कितना हुआ इसका? V1 cos ऑफ 53 डिग्री. और V2 cos 53 को V1 से मैच करना चाहिए ना, राइट? तो इससे आपको ये पता चल गया कि 5V1 is equal to 3V2 है. ये स्ट्रिंग कंस्टेंट से आपको पता चल रहा. नाउ अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम के लिए लगा लेते हैं. सिस्टम के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये ब्लॉक कितना नीचे आया है, सॉरी रिंग कितना नीचे आया है, ये पहले मार्क कर लेते हैं. रिंग कितना डिस्टेंस नीचे आया देखो तो, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट इज फॉलन थ्रू? L tan 37 है ना. So this is L into tan 37 मतलब 3 by 5. यही है ना, सही है ना? tan 37 3 by 4. 3 by 4, sorry, क्या लिख रहा हूँ, 3 by 4, ठीक है? तो अब accordingly आप सोचो, अब ये पूरे system के लिए हम energy conservation लगा रहे हैं. तो total mechanical जी आपको पता है conserved रहेगा, क्योंकि यहाँ पे string में आपको पता है system की जब हम बात करते हैं connected blocks के लिए, तो स्ट्रिंग कोई नेटवर्क नहीं कर सकता है. इंडिविजुअल मासेस पे वर्क कर सकता है, बट सिस्टम पे कोई नेटवर्क नहीं कर सकता है. तो सिस्टम पे जब नेटवर्क कर ही नहीं रहा है, तो उस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, या रादर ऐसे लिख लेते हैं, सीधे से ऐसे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जो गेन होगी ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की लॉस से मैच करनी चाहिए, ठीक है? अब यहां से काइनेटिक एनर्जी का गेन कितना हुआ है? हाफ ऑफ एम इंटू वी टू का स्क्वायर प्लस half of m into v1 का स्क्वायर. ये है काइनेटिक एनर्जी का गेन. पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ है? नेट लॉस अगर निकालोगे तो m into g into 3 l by 4 minus of m g into 3 l by 20. यही होगा ना? देखो समझ आई आप लोगों को, क्योंकि कैपिटल एम वाला ब्लॉक तो ऊपर गया है, तो उसका तो गेन हुआ था ना, और मैं यहाँ पे लॉस लिख रहा हूँ. लॉस मतलब जो नेट लॉस हुआ है वो कितना हुआ है. एक है जैसे कि आपसे कोई अगर बोले कि नो कि आपने 10 रुपए खर्च किए और 2 रुपए कमाए, तो आपने नेट कितना खर्च किया? तो नेट कितना खर्च किया तो बोलोगे क्या? 10 - 2 ही तो बोलोगे ना. समझ आ रही है? समझ आ रही है सभी को? हाँ सर. हाँ सर. अब वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. देखो हमें वैल्यूज दिया हुआ है, स्मॉल एम का वैल्यू 1 kg है और कैपिटल एम का 5 kg है, उसको यूज कर लेते हैं. तो हाफ इंटू 1 इंटू V2 का स्क्वायर, V2 की वैल्यू को डाल देते हैं V1 के टर्म्स में. तो ये 5V1 डिवाइडेड बाई 3 इसका स्क्वायर, यानी सॉरी, एंड प्लस हाफ ऑफ 5 इंटू V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास ये एम 1 है, तो ये हो जाएगा 3GL मतलब 30 इंटू एल बाई 4 एंड माइनस ऑफ, ये हो जाएगा आपका 5, ये डेसिमल तो हट जाएगा, 5 3 15 एल बाई 2. देखो तो सही लिखा मैंने? हाँ सर. हाँ सर. अगर ये नोटिस करोगे आपके पास ये आ रहा है 2 15, अरे ये तो सेम ही आ जा रहा है, कैसे हो गया? वैल्यू को क्या गड़बड़ किया सर? V1 तो ऊपर है क्या बेटा? सर V1 ऊपर है तो वो नेगेटिव नहीं होगा? V1 ऊपर है, ये तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखी है मैंने. काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब? ओके सर काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब? ये क्या लिखा है मैंने? mg into 3l by 4, ये तो सही है. l tan 37 होगा.
ठीक है तो ये और इधर से आपका एल बाई फोर साइन 3L/20 तो आ रहा है साइन 37 3/5 ही है ठीक है ये और यहाँ से इनटू 3L/4 माइनस ऑफ कैपिटल एम जी इनटू 3L/20 20 का एक डेसिमल कट गया 5 से 15 30/4 ये भी तो यही आ रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है क्या करना उसमें से बोल देखो आप लोग भी देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो रहा है चेक करो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक ओके चलो ठीक है ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते उसमें ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है चलो ठीक है एनीवेज अच्छा ये पॉसिबिलिटी हो रही है जैसे इसमें क्या हो रहा है ना कि इनिशियली क्या हो रहा होगा जैसे एक इंस्टेंट तक देखो एक इंस्टेंट तक ये जो स्मॉल एम वाला मास है वो एक्सेलरेट करके नीचे गया होगा और दूसरे हाफ में मतलब कुछ हाफ तक एक्सेलरेट करके नीचे गया उसके बाद डिसेलरेट करना शुरू कर गया होगा जब आपका टेंशन ऑफ स्ट्रिंग ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट अगर टेंशन का एम जी से बड़ा हो जाए मतलब स्मॉल एम जी से बड़ा हो जाए तो उस केस में तो वो उसको डिसेलरेट कराएगा ना कराएगा नहीं मतलब इस इंस्टेंट पे अगर वी टू की वैल्यू भी निकालोगे वो भी जीरो आ जाएगा मतलब वी वन वी टू दोनों ही इस इंस्टेंट पे जीरो है समझ आई है ये यही मतलब है इसका और कुछ नहीं है इसमें और कुछ ट्रैप नहीं है अगर अगर कुछ और एंगल देते 37 डिग्री से पहले वाला कुछ एंगल देते तो उस केस में नॉन जीरो वेलोसिटी आता बट ये एक ऐसा एंगल उसने दे रखा है जिसमें वेलोसिटी खुद जीरो आ जा रही है क्यों क्योंकि एक हाफ तक मे बी एक्सेलरेट किया हो और दूसरे हाफ तक डिसेलरेट करके फिर चला गया और इस पे ठीक है Okay, let's to move on a smooth vertical circular hoop of radius r. It is constrained from the lowest point with velocity v, just sufficient to carry it to the highest point. Okay, hoop बोल रखा है उन्होंने मतलब वो जो आपको मैंने एक condition समझाया था अगर आपको याद है याद हो अगर कि जिसमें उसको ट्यूब हम बाहर नहीं निकलने दे सकते ट्यूब से ट्यूब की तरह ट्यूब से ये ऐसा ट्यूब आप इमेजिन करो इससे तो बाहर नहीं निकल सकता ना तो इस तरह के सिचुएशन में इसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी √6gr यहाँ पे जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी इसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो आपको रूट अंडर 4gr देना पड़ेगा और देखो उसने ऑलरेडी कह रखा है इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट विद अ वेलोसिटी जस्ट सफिशिएंट टू कैरी इट टू द हाईएस्ट पॉइंट तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने तक उसकी वेलोसिटी अगर जीरो नहीं हुई है तब तो पहुंच पाएगा तो वही चीज उसने कह रखा है अब उसने कह रखा फाइंड द टाइम आफ्टर विच द रिएक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द हुप इज जीरो ओके ही जब रिएक्शन फोर्स जीरो हो रही है तब का टाइम कितना बीतेगा यहाँ से ओके तो पहला चीज तो ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो चाहिए वी नॉट ये आपको रूट अंडर 4gr चाहिए ये आपको पता है ठीक है दिस इज ऑलरेडी नोन टू यू अब यहाँ से हमने एक आर्बिट्री एंगल पे गए एक आर्बिट्री एंगल पे जा रहे हैं और यहाँ पे मान रहे कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रही है लेट अस से दिस एंगल इज थीटा वेयर तो इस केस में अच्छा ऐसा कर लें थीटा की वैल्यू कितनी आएगी पहले तो ये निकालनी पड़ेगी आपको तो यहाँ से ऐसा कर लेते हैं एम जी का वैल्यू is downwards ye angle theta to is taraf ka component becomes mg cos theta normal reaction to aapko pata hai zero karna hai bahar ki taraf lag diya hota to zero dikhate aap aur velocity v hogi iski
ये वेलोसिटी वी आप निकाल सकते हैं, ये वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 2g r इनटू 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, v नॉट का स्क्वायर इज 4gr, सो 4gr माइनस 2gr इनटू 1 प्लस cos थीटा, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपके पास 2gr इनटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा, ये आएगा ना, है ना? ठीक है, ये वेलोसिटी की वैल्यू है। अब सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है mg cos theta minus of normal reaction should be equal to mv square by r. Normal reaction आपको पता है zero करना है, तो mg cos theta की value को लिख लिया आपने, mv square by r मतलब 2mg, 2mg into 1 minus of cos theta, mg mg cancel out हो गया और यहाँ से आपके पास आ गया 3 cos theta equal to 2, so cos theta equal to 2 by 3 आ गई, so cos theta equal to 2 by 3 पे जाके ये contact break करेगा, ठीक है? इस एंगल तक आपको पहुंचना है, बट अब ये पूछा इसने कि इसमें कितना टाइम लगेगा उसको ये बताओ, टाइम कितना लगेगा। अब टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वेलोसिटी किसी भी एक जनरल टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा कि किसी एक जनरल टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक आर्बिट्री पोजिशन ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज एन आर्बिट्री पोजिशन, ये t इक्वल टू 0 का है और ये टाइम t इक्वल टू t नॉट है जो हमें निकालना है, ठीक है, फाइनल टाइम का। ये एक जनरल टाइम की बात कर रहे हैं, t इक्वल टू t की बात कर रहे हैं। ये एंगल को मान लेते हैं कुछ भी एक, लेट अस से दिस इज बीटा, और इसकी वेलोसिटी को यहाँ पे वेलोसिटी एट पोजीशन बीटा दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी तो आराम से निकाल सकते हैं, इसमें ये लेंथ है आपका r cos beta, तो velocity at beta position का square will be equal to v naught का square minus of 2g into r into 1 minus of cos beta, ये लिखेंगे आप। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा 4gr minus of 2gr into 1 minus of cos beta, and therefore this becomes 2gr into 1 plus cos of beta हो जाएगा, ठीक है, ये आपके velocity at position beta हो गया। यहां से हमने वीटा का पे वेलोसिटी निकाल लिया है। अब देखोगे अगर आप, तो यहां से इस वेलोसिटी को अगर मैं इस लाइन का रोटेशन का रेट चेक करूं, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ये ओमेगा को लिखें तो हम वेलोसिटी एट पोजीशन बीटा डिवाइडेड बाय आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, हां सर। और ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डी थीटा बाय डीटी लिख सकते हैं, और हमें एंगल पता है कहां से कहां तक लेके जाना है ना, क्योंकि अगर आप बीटा का लिमिट देखोगे तो 0 से लेके 180 डिग्री माइनस थीटा है या नहीं है? है सर, हाँ। ठीक है, तो बीटा का लिमिट मुझे पता है कहां से कहां वेरी कराना है, तो इसलिए एंगल, एंगल सेंस पता है कहां से कहां वेरी कराना है, तो एंगुलर वेलोसिटी से हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन लिखेंगे और फिर टाइम को यू नो वहां से फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो, ये वेलोसिटी एट पोजिशन बीटा हमने निकाल लिया ऑलरेडी, ये निकल गया हमारे पास, और इसको अब हमने क्या किया, d बीटा डिवाइडेड बाय dt कर लिया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ठीक है ना? हां सर, हां सर। अब यहां से इसको ऐसे रिलेट करो, ये रूट अंडर 2gr रहने दो इसको, और 1 प्लस vb को कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, vb को कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, v इज ओमेगा r इनटू r, r को छूट गया यहां पे, ठीक है ना? हां सर, ठीक है, r छूट गया बेटा, अभी देखो यहां पे यार, कोई इधर ला सकते हैं, अभी यार इधर आ गया। अब रूट अंडर 1 प्लस कॉस बीटा जो है, क्या उसको हटाने का, रूट को हटाने का कोई तरीका है यहां से? सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला है ना, कॉस 2 थीटा वाला, राइट? हां सर, तो क्या लिखेंगे यहां पे, रूट कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, रूट कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू डी बीटा बाय डीटी। अच्छा, आर तो हटा देंगे, आर तो निकाल चुके हैं, तो यहां से अगर आप नोटिस करोगे तो यहां से आपके पास आ रही है, अच्छा रूट भी तो लेना था ना, ऐसा था ना? यस, है ना, तो ये रूट रूट हटेगा तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 2 2 4 4, तो बाहर निकल जाएगा तो 2 बचेगा सिर्फ, और यहां से आ रही है आपके पास रूट अंडर जी बाई आर, और यहाँ पे बच रही है सिर्फ कॉस ऑफ बीटा बाई 2, एंड ये बच रहा है आपके पास डी बीटा बाई डी टी। देखो आप वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ रूट अंडर g by r into dt is equal to, ये हो जाएगा sec of beta by 2
इंटू डी बीटा, ये आ रही है ना, देखो आ रही है। हाँ सर। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, इसको जीरो से लेके टी नॉट तक, टी नॉट आपको फाइंड आउट करना है, और बीटा को आपको जीरो से लेके पाई माइनस थीटा तक करना है ना। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब ये इंटीग्रेशन कितना होता है ये आपको पता है? इंटीग्रेशन ये साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx आती है ln ऑफ मॉड ऑफ sec x plus tan x आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जैसे इसको क्रॉस चेक तुरंत कर सकते हैं, अगर ये रिजल्ट मैं कह रहा हूँ सही है तो डिफरेंशिएशन से वापस से sec x मिलना चाहिए ना। अगर देखोगे तो sec x कॉमन आउट होगा तो sec x plus tan x न्यूमरेटर में है और sec x plus tan x डिनोमिनेटर कट जाएगा तो sec x बचेगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखो तो इसका इंटीग्रेशन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी ln of sec beta by 2 plus tan beta by 2, इसका mod लेना पड़ेगा, and divided by half, उसके बाद फिर limit, limit आपका 0 से लेके pi minus theta। देखो सही लिखा मैंने? हाँ सर। ठीक है सर। और ये 2 और ये 2 देखो कट गया है, तो आपके पास बचा है रूट अंडर जी बाई आर इंटू टी नॉट इज इक्वल टू एल एन ऑफ, अब अपर लिमिट पहले, तो ये हो जाएगा आपके पास सॉरी सेक ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा एंड प्लस ऑफ टैन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा एंड फिर जीरो डालोगे तो टैन जीरो तो जीरो हो जाएगा और जब जीरो लिमिट डालोगे तो ln ऑफ 1 आ जाएगा और ln ऑफ 1 तो जीरो ही होता है तो इसलिए यही आंसर रहेगा। अब इस केस में इसको फाइनली जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे हो जाएगा cosec है ना, cosec थीटा बाय 2 प्लस cot थीटा, cosec थीटा बाय 2 cot थीटा एंड प्लस cot ऑफ थीटा बाय 2 किया जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को कैसे निकालोगे, आपको cos थीटा पता था ना, क्या cos थीटा वाज 2/3 है ना, cos थीटा वाज 2/3 यस सर। अब इनकी वैल्यूज को कैसे निकालोगे, यस सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ln ऑफ ये हो जाएगा 1 cos थीटा बाय sec 1 sin थीटा बाय 2 और यहां भी cos हो जाएगा 1 cos बाय sin cos of theta by 2 and divided by sin theta by 2, ये आ रहा है ना, yes sir। अब हमारे पास है cos theta का वैल्यू that is 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos square theta by 2 minus 1 और इसको लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square theta by 2, लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो देखो अभी तो दोनों मिल जाएगा क्या, cos theta by 2 कितना हो गया, cos of theta by 2 becomes ये हो गया 1 इधर जाएगा तो 5/3 5/6 का रूट, क्लियर है ना, है ना, यस सर, यस सर, यस सर। और sin theta by 2 अगर निकालेंगे तो आएगा 1 - 1/3 यानी 1/6 का रूट, क्लियर है क्या, यस सर, यस सर। तो ये हो गया, सो दिस बिकम्स ln of मॉड तो अब लिखने का जरूरत नहीं है, अब तो ये पॉजिटिव ही है, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर 5/6 और यहाँ पे रूट अंडर 1/6 हो जाएगा ln ऑफ रूट 6 कोई गलो 6 तो n प्लस रूट 5 दिखा आपको, तो t नॉट तो मिल गया ना, सो देयरफॉर t नॉट बिकम्स रूट अंडर r by g एंड इनटू ln ऑफ रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 5। विशेष बहुत घटिया घटिया कैलकुलेशन आते हैं, ये तो फिर भी आसान है।
आपको इस, ये इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें टाइम निकालने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है. टाइम निकालने के लिए आपको यही कुछ यही चीज करना पड़ेगा आपको. मतलब इससे तो आपको ये पता चल रहा था कि आप कितने एंगल पे कॉन्टैक्ट छूट रहा है, बट एंगल का लिमिट अगर पता चल गया तो टाइम निकालने के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी को ही रिलेट करना था. बस ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए. ठीक है सर. A particle attached to a vertical string of length 1 meter is projected horizontally with a velocity of 5 root 2 meter per second. What is the maximum height reached by the particle from the lowest lowermost point of the trajectory? Okay. Or dusra is the string breaks when it makes an angle 60 degree with the downward vertical. Find the maximum height reached by the particle from the lowest point. Okay. Okay. Pehla de rakha 5 root 2 aur 1 meter ka string ka length. यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखी है, दिस वेलोसिटी इज 5 root 2 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्रिंग का लेंथ आपको 1 meter दे रखा है. अब पहले पार्ट में उसने ये पूछ रखा है कि मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा ये निकालना है. पहले इसको वेलोसिटी को रूट अंडर जी आर के टर्म्स में अगर देखें तो ये कितना है देखो, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज रूट अंडर 50 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, हाँ सर. और अगर ये देखोगे तो रूट अंडर एग्जैक्टली 5g into 1 है, सही नहीं है? यस यस यस. तो उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी. ये तो जस्ट सफिशिएंट टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल है ना, है नहीं है? यस सर, यस सर. तो ये इसीलिए देखो मैंने कंपैरिजन किया, दिस इज जस्ट सफिशिएंट to complete vertical circle. Vertical circle. इसका मतलब maximum height at reach कितना हो गया? H max कितना होगा? 2R नहीं होगा? Right? R नहीं, length लिख लेते हैं. 2 times of L लिख लेते हैं. 2 times of L and therefore ये 2 meter आएगा. समझ आई? तो देखो time बचा या नहीं बचा? Data अगर आप याद रखोगे तो time बचा ना? नहीं तो फिर आप क्या करते हैं? अभी time waste कर रहे होते हैं, है ना? डाउनवर्ड वर्टिकल फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द लोएस्ट मोस्ट पोजीशन. अब ये सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है? तो सेकंड पार्ट के लिए अब कर रहे हैं. तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री पे पहुंच गया, यहाँ पे कहीं पहुंच चुका है एंड दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री. और यहाँ पे अब स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टूट गया ना ये, दिस इज ब्रोकन, राइट? यस सर. यहाँ पे ब्रेक कर गया, और ब्रेक करने का मतलब स्लैक कर गया है, और स्लैक कर गया तो जो भी वेलोसिटी यहाँ पे है उसका ये प्रोजेक्टाइल बन गया ना. यस सर. होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो फ्री फॉल ग्रेविटी हो गया है, तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी इसने अटेन कर चुका होगा उसके बाद जो होगा ये फ्री फॉल ग्रेविटी होगा जी के साथ, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से ऐसा एक प्रोजेक्टाइल की तरह तो लैंड करेगा ना, है कि नहीं है? यस सर. यस सर. इस केस में अब कितना ऊपर जा रहा है ये तो आपको निकालने के लिए डायरेक्टली आप ये हाइट निकालने के लिए आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेक करो कितना है. अब देखो इधर से, क्या ये एंगल 60 डिग्री है क्या? देखो तो है क्या? यस सर. हां तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज v sin 60 डिग्री इसका स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2g वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2i ऑफ g, होगा ना? हां सर, होगा. हां सर, होगा. विद रिस्पेक्ट टू लोअर मोस्ट पोजीशन देखोगे तो कितना आएगा, ये आपका l cos 60 भी तो आएगा. सो दिस इज l cos ऑफ 60, मतलब यहां से l माइनस 60 कितना थी एग्जैक्टली का l पर, ठीक है ना? राइट. अब मीन आप v निकालो और उसके बाद फिर ऐड कर लो दोनों को, ठीक है? तो पहले तो v निकाल लेते हैं. तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अच्छा ये भी एट पोजीशन 60 के लिए v डैश लिख लेते हैं, ठीक है? v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ 2g इनटू l बाय 2 आ रहा है, ठीक है?
तो ये हो जाएगा आपके पास v square मतलब 50 और यहाँ पे माइनस ऑफ ये 22 तो कट जाएगा, ये 10 मतलब 40 आ रही है, 40 मीटर पर सेकंड, अच्छा 40 का रूट आएगा, 40 का वैल्यू है, तो v डैश की वैल्यू हो गई आपके पास रूट अंडर 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एच मैक्स जो आएगा यहाँ पे, एच मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू द लो मोस्ट पोजिशन पूछा है, जो होगा एल बाई टू प्लस वी साइन 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये v डैश होगा, सॉरी v डैश है, v डैश, तो इसको लिख सकते हैं, ये तो हाफ मीटर है, एंड प्लस v डैश का स्क्वायर मतलब 40, साइन स्क्वायर 60 मतलब 3/4 डिवाइडेड बाई 2g मतलब 20, तो ये 20 2 से कट गया, ये 2 इधर 2 से कट गया, और यहाँ 3/2 प्लस हाफ मतलब एग्जैक्टली 2 मीटर आ रहा है, दिख रही आपको? हाँ सर, हाँ, इसका मतलब ये इतना नीचे नहीं रह रहा है, काफी ऊपर जा रहा है ना, है ना, क्योंकि 2 मीटर तो यहाँ तक ये वाला लेवल था ना, है नहीं था ये वाला लेवल, सेम लेवल पे ही तो जा रहा है, सेम लेवल पे ही तो जा रहा है, ये ऐसा वैल्यू दे रखा है उसने कि जहां पे सेम लेवल पे पहुंच रहा है, हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ से हटा के इसको थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ कर देते हैं, ये कैलकुलेशन के बाद ही आपको पता चल सकता है, कैलकुलेशन के पहले पता नहीं चल सकता है। ओहो, स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, जगह नहीं है, इसको छोड़ा छोटा कर देते हैं तो बन जाएगा फिर। ये कुछ ऐसा आ रहा है, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ ये सर। वाली हाइट आई आपकी, दिस इज v डैश साइन 60 इसका स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2, यही आया। चलो ठीक ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आप सब ट्राई करिए। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम एट द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड रफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, रफ सरफेस है। नाउ द पार्टिकल इज गिवन अ जेंटल पुश सो दैट इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। इट इज फाउंड दैट द पार्टिकल लीव्स कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर at an angular position theta where cos theta equal to 3/5. If the work done against friction is 2 mgr/10x, find x. देखो क्या रही है,
तर x equals 2 तर x equals 2 क्या क्या बताइए तर मतलब प्रोसेस प्रोसेस पूछ रहा हूँ तर मतलब प्रोसेस वर्क डन बाय फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू हाफ एम प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और फिर सर mg cos थीटा इज इक्वल और फिर सर mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r ठीक है बस ठीक है बेटा आपको यहां से ये पता चलना चाहिए बस वही दो इक्वेशंस उनको आपको यूज करना है जो उन्होंने बोला है और उसका कुछ भी और अलग नहीं है मैं यहां पे कर रहा हूं देखो इधर उसे ही आंसर आ जाएगा ओहो ये डायग्राम है हमारा और कॉन्टैक्ट ऑलरेडी उसने कह रखा है ब्रेक कर रहा है तो कंडीशन ये होगा कि mg इधर है इसका सेंटर के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी mg cos थीटा एंड वेलोसिटी अगर v आ चुकी है तो आपको पता है कि mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r रीजन बीइंग सिंस नॉर्मल डायरेक्शन जीरो है किसी एक का माइक ऑन है आप माइक ऑफ करिए बेटा तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई v स्क्वायर आ गया gr cos थीटा आ गया ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई है अब दूसरी इक्वेशन क्या है आप वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि आपने बोला ऑलरेडी तो इस केस में आप क्या लिखोगे आप वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ग्रेविटी का वर्क तो आपको पता है दिस विल बी एम जी इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा एंड प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिस शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम इंटू वी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर मतलब जी आर कॉस थीटा और यहाँ से अब आप रीअरेंज करो इसको तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ रही है आपके पास एम जी आर कॉमन कर लिया हमने तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू एंड यहाँ से प्लस कॉस थीटा एंड माइनस वन ये आ रही है तो हो गई एम जी आर इंटू थ्री बाई टू कॉस थीटा थीटा का वैल्यू शायद 37 दिया था कॉस थीटा हाँ कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है तो 3/5 लिख लेंगे इसको एंड माइनस वन आ जाएगा तो अगर आप ये नोटिस करोगे तो यार ये एम जी आर इंटू 3 3 9 1/10 मतलब बाई 10 आ रही है विथ अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन है और अभी क्या होगा दिस इज इक्वल टू उसने कह रखा है 2 mg r/10x इसको लिख दो 2 mg r/10x 2 mg r/10x नहीं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन उसने बोला है ठीक है ना देखो एक बार लैंग्वेज चेक करो वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट मतलब कि यहाँ पे जब फ्रिक्शन का जो वर्क होगा उसी का जस्ट पॉजिटिव ले लेंगे आप तो इसलिए इसमें यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसको आप लिखोगे माइनस ऑफ एम जी आर 2 mg r/10x लिख लो यहाँ पे ये उसने दिया रखा है तो इसी से आपको पता चल गया कि x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया x का 2 वैल्यू करेक्ट आंसर है समझ आई सभी को सबको समझ आ रही है ठीक है बेटा सर वर्क डन अगेंस्ट को तो फिर उसी फोर्स का वर्क डन का नेगेटिव ले लेंगे हां उसी का नेगेटिव ले लेंगे जनरली ऐसे क्वेश्चंस ऐसे फोर्सेस के बारे में पूछते हैं जो नेगेटिव वर्क खुद करते हैं तभी पूछते हैं तो इसीलिए नेगेटिव का नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव बनेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन द गिवन फिगर अ फ्रिक्शनलेस रिंग ऑफ रेडियस r is fixed in a vertical plane, ring fixed है, इसको आपको fixed मानना है, this is fixed. हमेशा जितने भी डेटास होते हैं ना हमेशा उसके छोटे छोटे वर्ड्स पे हमेशा ध्यान दिया करो जैसे fixed है या movable है ये सब हमेशा ध्यान देना चाहिए. A spring of natural length r, spring का natural length r दे रखा है, okay? R और क्या दिया? Is fixed at C, okay? C वाला point fixed है, इसको fix कर देते हैं. And other end is attached to a small bead X of mass M. Okay, iska mass M diya hua hai. Which can slide on the circumference of the vertical ring. Theek hai. Initially, the small bead X is at A as shown. Theek hai. It is released from rest at A. Rest pe hai, matlab initial velocity zero hai. Conditions dhyan rakhenge. Then find its speed at B. B pe velocity nikalni hai pehli cheez to ye. B pe velocity kitni hogi? फिर पूछा है नॉर्मल रिएक्शन बाय द बीड बाय द वर्टिकल बीड
वर्टिकल बीड कुछ नहीं होता ऑन स्मॉल बीड वर्टिकल रिंग होगा ये रिंग होगा वर्टिकल रिंग ऑन स्मॉल बीड एक्स एट बी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट बी बस ठीक है अब आराम से कर सकते हैं इसको पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा एक बार लेंथ मार्क कर लेते हैं कितनी कितनी लेंथ हमें पता है देखो तो ये एंगल क्या 30 डिग्री है क्या देखो तो इज दिस एंगल 30 डिग्री एक कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है सर्कमफेरेंस पे उसका क्या करता है हाफ सबटेंड करता है ना है ना तो देखो तो ये स्प्रिंग का लेंथ आपको पता चल रहा है कि अभी कितना है इनिशियल लेंथ कितना है स्प्रिंग का क्या ये 2r into cos of 30 degree मतलब ये root 3 आ रहा है ठीक है और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना था आर था इसका मतलब यहां से आपको पता चल रहा है कि इनिशियल जो इलोंगेशन है इनिशियल इलोंगेशन यार ऐसे लिख लेते हैं एक्स आई लिख लेते हैं तो ये रूट थ्री माइनस वन इंटू आर है ना इनिशियल इलोंगेशन के लिए ठीक है यस सर यस सर जब स्प्रिंग अपना पॉइंट बी पे आएगा मतलब बीड पॉइंट पॉइंट बी पे आएगा यहाँ पे इस पोजिशन पे आएगा तब का लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा ये वाला लेंथ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है देखो ओसीबी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा है ओसीबी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा है हाँ सर हाँ सर हाँ सर तो इसलिए ऑब्वियसली आ रही होगा ना ठीक है yes. इसका मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे ना इसका मतलब फाइनल इलॉन्गेशन कितनी होगी जीरो समझ आई आपको yes, हाँ सर yes, हाँ सर अब तो आराम से कर सकते हैं हम वर्क इन थ्योरम लगा ले वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल रिएक्शन तो वर्क नहीं कर सकता है सो ग्रेविटी का वर्क कितना हो गया हाइट का चेंज मतलब एम जी टाइम्स ऑफ टू इंटू आर इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री देखो तो ये है क्या है ना r cos 60 ऊपर और r cos 60 नीचे तो टोटल हाइट आपको मिल गया ना हाइट का चेंज यस ए से बी का जो वर्टिकल हाइट है देखो ये वाली हाइट ये हमने मार्क किया ये 2r cos 60 है 2r cos of 60 डिग्री ठीक है एंड प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना है फाइनल इज 0 एंड माइनस इनिशियल इज हाफ ऑफ k into xi का स्क्वायर And that will be equal to half mv square minus of zero. देखो सही है? ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर. Okay. Data देखो उसने क्या-क्या दे रखा है? Radius का value 1 meter है, spring constant 2 newton per meter है, और mass का value आपको 100 gram दे रखा है, मतलब 0.1 kg है. तो उन data को use कर लेते हैं. Mass है 0.1, g है 10. फिर 2 टाइम्स ऑफ अच्छा ये तो कट जाएगा 2 और cos 60 तो कट जाएगा सिर्फ रेडियस बचेगा रेडियस कितना था 1 मीटर तो 1 सिर्फ और यहां पे प्लस हाफ इनटू k k इज 2 एंड xi था आपका √3 माइनस 1 का स्क्वायर क्योंकि r तो आपका 1 ही है एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 0.1 इनटू v स्क्वायर देखो सही है ना चेक करो एक बार ये डेसिमल हटा लेते हैं यहां से ये कट जाएगा यहाँ से 2 भी कट जाएगा तो ये बच रहा है 1 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2√3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/20 इनटू वी स्क्वायर सो ये हो रही आपके पास ये हो गया 5/20 इनटू 5 माइनस ऑफ 2√3 एंड इसका ये वाला वैल्यू हो गया वी स्क्वायर सो वी की वैल्यू हो गई है रूट अंडर 20 इनटू 5 माइनस ऑफ 2√3 ये आपका मीटर पर सेकंड में आंसर हो जाएगा अगर अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्स वैल्यू अभी निकाल रहे हैं एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं तो 2 इंटू 1.73 पहले तो आपको 2 इंटू 1.73 करना है तो हो गया 3.46 हो गई अब 3.46 से आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 1.54 होगा तो हो जाएगा रूट अंडर 20 इंटू 1.54 मीटर पर सेकेंड और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा You get 2 into 4 is 8 and 2 into 15 is 30, 30.8
ये डेसिमल 30.8. देखो तो यार ये क्या आ रही ना, ठीक है हाँ सर। और इसकी वैल्यू आप देखो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, एंड 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये 36 की तरफ थोड़ा शिफ्टेड है, तो वैल्यू क्लोज टू 5.5 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, क्लोज टू 5.55 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। ये आप कैलकुलेट करके देखोगे तो इसके क्लोज आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं कैलकुलेट किया मैंने, अप्रोक्सीमेट किया है। 5.54 है। और भी पार्ट थे, उसमें पूछा था उन्होंने फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट बी, भी पूछा था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, वो जी का कॉम्पोनेंट से ही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? अगर आप देखोगे तो ऐसा सिचुएशन है, ये यहाँ पे है, और स्प्रिंग फोर्स तो कुछ है नहीं, आपको पता है स्प्रिंग फोर्स जीरो है, एमजी सिर्फ यहाँ पे लग रही है, ये एंगल उसने ऑलरेडी 60 डिग्री दे रखा है, तो एमजी का जो कंपोनेंट आएगा इस लाइन के अलावा, वही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कॉज करेगा ना, करेगा नहीं? ये एंगल देखो 30 डिग्री है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो इधर का कंपोनेंट कितना हो गया, दिस इज एमजी कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो इसकी वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रही है। सेंट्रीपिटल तो वी स्क्वायर बाय आर है, सेंट्रीपिटल में आपका नॉर्मल रिएक्शन का भी रोल रहेगा, ये आपका v square by r जो है, ये आपका centripetal acceleration है, बट वो हमें चाहिए नहीं, हमें tangential चाहिए। tangential acceleration कितने लिखोगे आप? tangential acceleration will be mg cos of 30 degree divided by m, mm कट गया तो g cos 30, मतलब root 3 g by 2 आ जाएगा। button? yes sir, yes sir, normal reaction भी आप दिखाई दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। yeah, this is normal reaction, ये जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका टेंजेंट के अलावा कोई रोल नहीं है, और स्प्रिंग फोर्स नहीं था ये तो आप ऑलरेडी प्रूव कर दिया था। Okay, ये देखो, a string with one end fixed on a rigid wall, एक end fixed है मतलब यहाँ पे fixed है, ये fixed end है, passing over a frictionless fixed pulley, ये pulley भी fixed है, इसको fix कर देते हैं, at a distance of 2 meters from the wall, a string with a one end fixed on a rigid wall passes over a frictionless fixed pulley at a distance of 2 meters from the wall. Okay, ठीक है, मतलब पुली का डिस्टेंस दे रखा है उन्होंने वॉल के साथ, ये डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या रखा है, has a point mass m attached, अच्छा ये capital m को 2 kg कह रखा उन्होंने, at a distance of 1 meter from the wall, ये distance भी दे रखा, this is 1 meter, मतलब length of string जो उससे connected है वो 1 meter का है, ठीक है। a mass m equal to 0.5 kg, okay, ये 0.5 kg का है, मतलब इसको अगर मैं small m लिख रहा हूँ तो ये आपका 4 times of small m होगा। the block m is released from rest so that the string is horizontal between the wall and the pulley and vertical beyond the pulley. Okay, ठीक है। What will be the speed with which the mass m hits the wall when it is released? Okay, हमें speed कितने speed के साथ ये strike कर रहा है ये निकालना है। पहले इसका थोड़ा सा just clear diagram एक बार draw करता हूँ बड़ा करके। ये हमारा wall है। इसका ये end पे एक fixed point है। ये स्ट्रिंग है, इससे एक पॉइंट मास अटैच्ड है, इसका मास हमने 4m लिख रखा है, और यहाँ से स्ट्रिंग का दूसरा एंड है, यहाँ पे फिक्स पुली है,
और यहां से हमारी वो दूसरी मास लटकी हुई है, ये मास को m मान लेते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन ये है। देखो तो जो 4m मैंने मार्क कर रखा है उसका लोकस तो सर्कल है ना, ये फिक्स है या नहीं? हां सर, लेंथ फिक्स है, लेंथ फिक्स है, क्योंकि ये लेंथ तो 1 मीटर का है ना, दिस इज 1 मीटर, और 1 मीटर का मतलब है कि ये बेसिकली फिक्स लेंथ का है। तो इस केस में इसकी जो पाथ होगी वो कुछ ऐसी होगी, सर्कुलर पाथ में ये गिरेगा, यहां के ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इट विल स्ट्राइक ओवर। अब ये कितनी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा ये आपको पता नहीं है, ये रूट अंडर 2gr नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो राइट वाला स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है 4m से, वो उसके ऊपर एक नेगेटिव वर्क करेगा, दिख रहा है आपको, है ना? जो लेफ्ट वाला स्ट्रिंग है वो वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और जो वेलोसिटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर है लेफ्ट वाले स्ट्रिंग के लिए, मतलब फोर्स अगर देखोगे टेंशन का डायरेक्शन। बट अगर राइट वाले स्ट्रिंग का टेंशन देखोगे तो उसका एक कॉम्पोनेंट है अलॉन्ग द वेलोसिटी, दिख रही है आपको? Yes, sir. तो राइट वाला स्ट्रिंग इसके ऊपर वर्क कर रहा होगा और वो स्लो डाउन करेगा उसको, बेसिकली जितना गिरना चाहिए था उतना से नहीं गिरने देगा, बट वही उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क तो ये स्ट्रिंग जो है राइट वाला स्ट्रिंग वो इस पे भी करेगा, जो हैंगिंग ब्लॉक है उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है देखो, क्योंकि उसको तो ऊपर खींच रहा है, तो इसलिए एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव वर्क मिला के आपका जीरो हो जाएगा, ये पक्का है। तो कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए फिर से आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये चीज है कि पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब ये नीचे गिरा, L डिस्टेंस नीचे गिरा है, देखो अगर आप नोटिस करोगे ये तो L डिस्टेंस नीचे गिर चुका है, मतलब 1 मीटर, ये अगर 1 मीटर नीचे गिर चुका है तो ये ब्लॉक कितना ऊपर उठा है, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कितना ऊपर उठा होगा ब्लॉक, कैसे निकालेंगे? ऐसा एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया था, आपको लेंथ देखना है कि कहां कहां है स्ट्रिंग का लेंथ, फाइनली आपको कैसा दिखेगा, फाइनल लेंथ कैसा दिखेगा, हाइपोटेन्यूज ऐसा कुछ दिखेगा क्या? देखो तो होगा नहीं होगा सर, सर ये फाइनल सिचुएशन आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, ऐसा कुछ, और ये ऐसा क्रॉस ओवर होके ये इधर से ये इससे कनेक्टेड, समझ आ रही है आपको? यस, ठीक है, यस। ये वाला लेंथ देखो तो कितने का, इधर भी तो 1 मीटर का था, ये 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर बेस एंड 1 मीटर हाइट, मतलब ये रूट अंडर 5 मीटर हो गया, क्या हो गया क्या? यस सर। इसका मतलब ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है, ये स्ट्रिंग का लेंथ जो राइट वाले पोर्शन पे था पहले 1 मीटर का, अब ये रूट 5 मीटर का हो गया है, तो ये ब्लॉक कितने से ऊपर उठ गया होगा, रूट 5 माइनस 1 से, होगा नहीं होगा? हाँ सर, ठीक है, क्योंकि फाइनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखो जो दिख रहा है रेड वाला लाइन से मैं जो मार्क किया है वो रूट 5 मीटर का है, और इनिशियली जो लेफ्ट पे था मतलब वो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो 1 मीटर का था, तो 1 मीटर से अगर रूट 5 मीटर हो गया है तो रूट 5 माइनस 1 ही तो उसमें चेंज आया है, और वो चेंज कहां से दिखेगा, ब्लॉक के ऊपर जाने से दिखेगा, तो एग्जैक्टली वही चीज मैंने मार्क किया है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर ये वाले एंगल को मैं थीटा मार्क करता हूं, लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए, तो ये एंगल आपको 90 माइनस थीटा दिखेगा, तो इस तरफ का कॉम्पोनेंट कितना आएगा, दिस विल बी वी साइन थीटा। अगर ये वी है और इसको मैं मान लेता हूं यू, तो वी साइन थीटा की वैल्यू किससे मैच करनी चाहिए, यू से, है ना, स्ट्रिंग कंस्टेंट है, ठीक है? हां सर। अब साइन थीटा का वैल्यू यहां से पिकअप कर लो, तो वी इनटू साइन थीटा का वैल्यू 2/√5 एंड दैट शुड बी इक्वल टू यू, तो बेसिकली 2v इक्वल टू √5 यू आ गई है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट यू गेट, दिस इज द कंस्ट्रेंट। अब दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम, सो टोटल यू नो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी की जो गेन हुई है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस से मैच करना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी की गेन कितनी हुई है, अब ये पहले लिखो, तो हाफ ऑफ ये था आपका 4m इंटू वी स्क्वेयर प्लस हाफ ऑफ m इंटू यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की लॉस, ये हुई है 4m इंटू जी इंटू 1 मीटर, ठीक है, 4m इंटू जी इंटू 1 एंड माइनस ऑफ m into g into root 5 minus 1, समझ आया आपको? हाँ सर, हाँ सर। अब यहाँ से ये m right through here कट गया, और यहाँ से अब आपका ये half को भी उधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4v square plus u square, u square को लिख सकते हैं हम 4v square by 5, and ये 2 को इधर लेके गए, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 4g minus of root 5g and plus g,
तो यहां से आ रहा है आपके पास टू टाइम्स ऑफ रूट फाइव कॉमन ले लिया तो ये जाएगा रूट फाइव माइनस वन इंटू जी. देखो तो ठीक है क्या? ठीक है सर. और इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे पांच बीस चौबीस ट्वेंटी फोर वी स्क्वायर बाई फाइव. ये आ रही है? हाँ सर. टू तो इधर से कट जाएगा, ट्वेल्व बचेगा. तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है फाइव रूट फाइव इंटू रूट फाइव माइनस वन इंटू जी एंड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व एंड इसका रूट ले लेंगे. ये वी स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हटा दें तो ये आपका रूट आ जाएगा. ये आपकी वी मिल गई है. देखो उसने क्या पूछा था हमसे, यही पूछा था ना, व्हाट विल बी द स्पीड विद विच द मास एम हिट्स द वॉल व्हेन इट इज रिलीज्ड. तो निकल गया मेरा आपसे. यस सर. दिख रहे आपको? यस सर. ठीक है ना? तो कर लिया. एक और क्वेश्चन कहाँ गया? What when your height must the system be released so that the M of M T is cut data. It's cut data. यहाँ पे एक M है, इसके साथ स्प्रिंग के थ्रू एक और मास 2M कनेक्टेड है. ये स्प्रिंग कांस्टेंट K का है और स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ है. स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ शोन है. ठीक है, 2m का जो सरफेस से हाइट है, ये हाइट उसने h दे रखा है और उसने ये पूछा है ऑन रिलीजिंग सिस्टम, रिलीजिंग सिस्टम फ्रॉम रेस्ट, on releasing system from rest. The collision between 2m and floor is perfectly inelastic. Perfectly inelastic. Find minimum h such that 2m mass gets lifted in subsequent motion of m. Small m ke subsequent motion pe ye lift ho jana chahiye. देखो सबसे पहला चीज ये है कि अगर पूरे सिस्टम को आपने रिलीज कर दिया रेस्ट पे तो स्प्रिंग फोर्स पे तो कोई इलोंगेशन नहीं आएगा, क्योंकि m पे भी mg लग रहा है और 2m पे भी 2mg लग रहा है. तो दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन देखोगे तो 2mg डिवाइडेड बाय 2m हो या mg डिवाइडेड बाय m हो, दोनों का एक्सेलरेशन g आएगा ना. समझ आ रही है आपको? तो ये भी g एक्सेलरेशन से गिरेगा, ये भी g एक्सेलरेशन से गिरेगा. तो स्प्रिंग में कोई चेंजेस नहीं हो सकते लेंथ में तब तक जब तक 2m टकरा नहीं जाता. तो 2m टकराएगा तो उस केस में क्या उसके पास वेलोसिटी रूट अंडर 2gh हो चुकी होगी? होगी नहीं होगी? हां सर, क्योंकि h हाइट से गिरा है ना. तो जस्ट कोलिजन के पहले का सिचुएशन ड्रॉ करें, जस्ट कोलिजन के पहले सिचुएशन ड्रॉ करें, जस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब जस्ट टकराने से जस्ट पहले का ड्रॉ कर रहा हूं. देखो यहां पे जस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ गैप दिखा रहा हूं. ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ गैप इमेजिन करो. ये 2m मास का है और ये m मास का है और ये कुछ ऐसा होगा सिचुएशन. तो इसके पास भी वेलोसिटी रूट अंडर 2gh होगी और इसके पास भी वेलोसिटी रूट अंडर 2gh होगी. ये भी आपकी रूट अंडर
टू जी एच आ चुकी होगी दोनों के पास ही सेम, क्योंकि दोनों एक ही हाइट नीचे गिरे हैं। बट कोलिजन के तुरंत बाद क्या होगा, ये चिपक जाएगा ना नीचे वाला, क्योंकि उसने परफेक्टली इन इलास्टिक दे रखा है ना। हाँ सर, हाँ सर। ये तो चिपक गया, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। बट क्या ऊपर वाले को कुछ पता चला कि वेलोसिटी जीरो ही है उसकी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि स्प्रिंग तो अभी नेचुरल लेंथ पे ही है ना, तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी जस्ट चिपकने के वक्त भी, ये आपकी वेलोसिटी जब आप दिखाओगे तो ये वेलोसिटी आपकी रूट अंडर 2gh होनी चाहिए, ठीक है। स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे ही है, ठीक है। तो इस केस में ये ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये ब्लॉक क्या करेगा, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा, और एक इंस्टेंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर ये वापस उठ के भी ऊपर आएगा। जब ये वापस ऊपर उठ के आएगा तब वापस से जब इस लेंथ पे पहुंचेगा तब वेलोसिटी सेम हो चुकी होगी? नहीं होगी, होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्वड ही है ना। तो जैसे जितना स्प्रिंग में और ग्रेविटी में उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवाई, वापस से उसी पोजिशन पे आ गया तो फिर उसने तो उनको एनर्जी वापस दे दी ना, और वापस एनर्जी दे दी तो उसका स्पीड वापस से सेम हो जाएगा। तो इस केस में आपको नेक्स्ट सिचुएशन पे आपको ये दिखेगा, ऐसा कुछ डायग्राम दिखने वाला है। ये m मास है और ये 2m मास है और ये भी नेचुरल लेंथ पे ही है, ठीक है। दिस इज दैट नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ पे जब ये ऊपर आ चुका होगा तब इसकी पास वेलोसिटी वापस से रूट अंडर 2gh हो चुकी होगी, ठीक है ना? ठीक है, हाँ सर। अब ये सोच के देखो, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो स्लो डाउन होगा क्योंकि स्प्रिंग अब उसको नीचे खींचेगा और ग्रेविटी भी उसको नीचे खींच रहा है। तो उस केस में स्लो डाउन होके एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो भी तो हो जाएगी, और जब वेलोसिटी जीरो हो चुकी है तो मान लेते हैं कि ये नेचुरल लेंथ से एग्जिस्टेंस ऊपर जा चुका है, एग्जिस्टेंस ऊपर जा चुका है। तो अगर एग्जिस्टेंस ऊपर जा चुका है तो उस इंस्टेंट पे अगर ये एक्स हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्स आ चुका है, तो उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग ये लोअर वाले मास को के इंटू एक्स से खींच रहा होगा, और अगर के एक्स आपका 2mg से बड़ा हो गया तो उसके इसमें क्या होगा, क्या उसको लिफ्ट नहीं कर देगा वो? लिफ्ट कर देगा सर, लिफ्ट कर देगा सर। तो इसका मतलब के एक्स की वैल्यू आपको क्या चाहिए? 2mg। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी चाहिए आपको? 2mg / k चाहिए, सही है ना? यस सर, हां सर। उसके इसमें अब आप फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दिस शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ है? ग्रेविटी का वर्क हुआ है माइनस ऑफ एम जी इंटू ये हो गया एक्स विच इज 2mg बाई के, ठीक है, प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग। स्प्रिंग ने कितना वर्क किया है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज कितने का हुआ है? हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 2mg बाई के का स्क्वायर। एंड माइनस इनिशियल कितनी थी? जीरो, क्योंकि इनिशियली तो नेचुरल लेंथ पे दिखा रखा है हमने। And that should be equal to change in kinetic energy. Final kinetic energy zero है, but initial कितनी थी? Half m into v square. V square कितना है? 2gh. देखो आपको समझ आ रहा है सारा equation? Yes sir. समझ आ रहा है? So minus of 2m square g square by k and minus of 4m square g square by k is equal to minus of एम जी एच। एक एम तो यहां से कट जाएगा, एक जी भी कट जाएगा, और यहां से देखो आपके पास एच का वैल्यू आ गया है 6mg डिवाइडेड बाई के। तो 6mg बाई के पे आपको ये रखना पड़ता। देखो आपको कोई डाउट है तो पूछो, कंफ्यूजन कहीं तो पूछो। क्लियर है? ठीक है बेटा। ये मान लो मास m1 है, ये स्प्रिंग है, ये मास m2 है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट k दिखा रखी है, और यहाँ पे मान लो f1 फोर्स लग, सॉरी M2 मास पे F2 लग रही है, और M1 मास पे मान लेते हैं F1 लग रही है, ठीक है। ऐसा फोर्स दिखा रखा है हमने। ये स्मूथ सरफेस है, दिस इज स्मूथ, और आपको ये दे रखा है स्प्रिंग इनिशियली एट नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग इनिशियली एट
नेचुरल लेंथ. आपको ये पूछा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन. अज्यूमिंग इनिशियली ब्लॉक्स टू बी एड्रेस्ड. इनिशियली ब्लॉक्स एड्रेस्ड. ठीक है, कितना होगा ये आपको निकालो. एक चीज चेक हो, सिंस दोनों मासेस अलग अलग हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी. हाँ, होगी नहीं होगी, राइट? ये आपको समझ आ रही है? हाँ सर. अच्छा, ये F1 और F2 ना दोनों की वैल्यू आपको सेम दे रखी है. एक मिनट, अलग अलग वाला ये बाद में करेंगे, ये सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर में आपको कराऊंगा. अभी फिलहाल के लिए सेम फोर्स के साथ करते हैं, ठीक है? मान लेते हैं F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने आपको F दे रखा है. देखो, दोनों पे फोर्स सेम लग रही है मैग्नीट्यूड में, बट दोनों का मास अलग है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन अलग आएगा. आएगा नहीं आएगा? हाँ सर. अब अगर एक्सेलरेशन अलग आ रही है तो इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट भी दोनों की अलग आएगी. तो अगर मैं ऐसा सिचुएशन दिखाऊं, जैसे मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है, लेफ्ट वाला ब्लॉक यहां तक पहुंच गया, तो ये इधर से इधर तक शिफ्ट कर चुका है बाय डिस्टेंस मान लेते हैं x1, और ब्लॉक m2 जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर गया है, और वो इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं शिफ्ट कर गया है x2. तो टोटल इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग कितनी आई है? x1 प्लस x2 आई है ना? नहीं आई. हां सर. हां सर. ठीक है. अब ये सोच के देखो, जब मैक्सिमम इलॉन्गेशन की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम इलॉन्गेशन की, तब आपको ये पता है कि दोनों की जो वेलोसिटी है ये कॉमन हो जानी चाहिए, राइट? यस सर. रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए. और इस केस में अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स इस सिस्टम पे जीरो है, तो मोमेंटम भी सिस्टम का जीरो होना चाहिए, राइट? हाँ सर. दिख रहा है आपको? नेट फोर्स जीरो है. देखो, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ का फोर्सेस बैलेंस्ड है. इसका मतलब अगर इसके पास कुछ एक वेलोसिटी आप इधर दिखा रहे हो v1 है, तो इसके पास इधर वेलोसिटी v2 होगा. तो दोनों देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चलेंगे, सेम डायरेक्शन में चलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ये आपको दिख रहा है? हाँ सर. और इस तरह के केस में अगर आप बोल रहे हो कि मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर रिवर्ट एंड ऐड करोगे तब तो v1 प्लस v2 हो जाएगा. और ये जीरो तभी हो सकता है जब v1 v2 खुद जीरो हो. ये समझ आ रहा है आपको? अच्छा, मैक्स, ये मैक्स कंप्रेशन निकालना पूछा था मैंने आपको. मैक्स इलॉन्गेशन की बात कर लेते हैं. ये इलॉन्गेशन है, कंप्रेशन तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये इलॉन्गेट करेगा ना. ये इलॉन्गेशन लिख लीजिएगा बेटा इसमें, ठीक है? ये क्वेश्चन का डेटा गलत हो गया. अब देखो यहाँ पे, तो मैं जो बोल रहा था आपको कि आपको सिंस ये पता है कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन का मतलब होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी आपको जीरो करना है, v रिलेटिव आपको जीरो करनी है. इसका मतलब कि v1 प्लस v2 आपको जीरो करना है. इसका मतलब यहाँ पे एज m1 v1 और m2 v2 जीरो है, सेम है, सिंस f नेट जीरो है, ठीक है? सिंस f नेट आपका जीरो है, तो इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो कि v1 इक्वल टू v2 और इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ये समझ आई आपको? हाँ सर. सबको समझ आ रही है? हाँ सर. तो अब क्या कंडीशन लिखोगे आप, सोचो. अब आप ये लिखो सिर्फ वर्क नीड थ्योरम लगा लो. तो वर्क नीड थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय फोर्स F1 ऑन M1, वर्क डन बाय फोर्स F2 ऑन M2, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द कंबाइंड मास सिस्टम, दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वही आप लिखो यहाँ पे. तो वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दिस शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दैट्स इट. F1 का वर्क कितना है? देखो, F1 कितना डिस्प्लेस कराया है? X1 ना. और कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो F into X1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा F into X1 प्लस अब F2 का वर्क. इसका भी मैग्नीट्यूड देखो F ही है. तो F into X2. सो ये हो जाएगा F into X2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग. ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ K into X1 प्लस X2 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ जीरो. यही आएगा ना? हां सर. And that should be equal to 0 minus 0. यही होगा? Yes sir. अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है. F times of X1 plus X2 minus of K times of X1 plus X2 का whole square by 2 is equal to 0. अगर आप देखोगे तो X1 plus X2 कट गया है. तो यहाँ से X1 plus X2 जो आ रही है,
यही तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन है या नहीं है? और यार ये 2f by k, this is x max. देखा आपको? हाँ सर, हाँ सर. देखो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो. नेक्स्ट करते हैं. देखो ये मान लेते हैं आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं 5 meters है, एंगल मानते हैं 37 degree है, और ये पेंडुलम बॉब है, इसका मास m है. क्वेश्चन दिया हुआ है, दी बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और आपसे ये पूछा है क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स हैं. पहला, फाइंड द स्पीड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. दूसरा, फाइंड द closest, find the closest or farthest that the bob can reach with respect to a horizontal line passing through the point of suspension, passing through the point of suspension. ठीक है, ये आपको निकालना, ये दो चीजें पूछी है. सबसे पहली चीज इसमें ये सोचना पड़ेगा आपको कि इसका लोकस कैसा दिखेगा. क्या आपको इसका लोकस सर्कुलर दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा? पहले बताओ. स्ट्रेट लाइन दिखेगा. ये सबको समझ आना चाहिए. देखो, आपने इस ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट किया होता तब उस केस में सर्कुलर पाथ फॉलो करता, बट आपने तो उसको रिलीज किया है. तुम खुद ही सोच के देखो कि एक स्ट्रिंग से ऐसे किसी चीज को ऊपर की तरफ खींच के रखो और छोड़ दो गिरने के लिए, तब तो वर्टिकली डाउनवर्ड से गिरेगा ना, सर्कल में थोड़ी गिरेगा. समझ आ रही है आप सबको? हां सर, हां सर, हां सर. तो इस केस में इसका जो पाथ दिखेगा आपको इनिशियली, वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा क्योंकि आपने इसको रिलीज किया रस से, तो इसको स्ट्रेट लाइन पाथ में गिराओ. बट स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या ऐसे लंबा हो कि किसी भी इंस्टेंट तक जा सकता है या फिर एग्जैक्टली 37 डिग्री तक ही जा सकता है? 37 डिग्री के बाद जब ये और नीचे जाना चाहेगा तब तो उसको स्ट्रिंग रोकेगा ना. समझ आ रही है? क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ तो फिक्स है, स्ट्रिंग का लेंथ तो फिक्स है. तो ये जब वापस से आपका 37 डिग्री पे पहुंचेगा, 37 डिग्री पे, तब उस वक्त इसकी वेलोसिटी का सडनली एक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा. यहां तक तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो किया है, स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो किया है, बट इसके बाद इसका पाथ जो होगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा. ये रियलाइज कर रहे हो आप? यस सर, यस सर. ठीक है ना, तो उसका लोकस जो है इनिशियली स्ट्रेट लाइन एंड देन सर्कुलर है. और इसमें अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी का अगर ये वाला वैल्यू निकालें, इनिशियली जो वेलोसिटी है, तो ये देखो आप, इधर से अगर आप देखोगे तो ये 4 meters है क्या? 4 meters? हाँ सर. नहीं है? हाँ सर. तो ये वाला वैल्यू भी 4 meters होगा, इसका मतलब 8 meters नीचे गया है. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, साइन 37 है ना. अच्छा हाँ, ओहो ठीक है, 3 meters होगा बेटा, 3 meters है, 3 meters है, सही है. तो ये वेलोसिटी देखो कितना हो जाना चाहिए, रूट अंडर 2gh, इसका मतलब ये वेलोसिटी हो जाएगी रूट अंडर 2g इनटू 6, सही लिखा है मैंने, है ना? यस सर, यस सर. हां सर, हां सर. अब इसकी वेलोसिटी के आप कंपोनेंट्स ब्रेक करो, एक अलोंग द टेंजेंट
और एक अलोंग दी रेडियस वेक्टर. क्या रेडियस वेक्टर के अलोंग ये पार्टिकल जा सकता है? नो सर, नो सर. नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर तो स्ट्रिंग ही लंबा हो जाएगा, ये रियलाइज कर रहे हो, है ना? तो इधर से ये वाली एंगल 53 डिग्री, तो इधर का जो वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट जो कि आप v cos of 53 डिग्री लिख रहे हो, 53 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट सडनली वैनिश कर जाएगा, है ना? ये वाली सडनली वैनिश कर जाएगी, सडनली बिकम जीरो. रीजन ऑलरेडी आपको बताया, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है लंबा नहीं हो सकता, सिंस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल. तो अगर आपसे पूछे कि स्ट्रिंग ने कितना वर्क किया, तो आपको पता चल रहा है स्ट्रिंग ने कितना वर्क किया इस वेलोसिटी को जीरो करने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर. समझ आ रही है? ठीक है, तो स्ट्रिंग नॉर्मली तो वर्क नहीं करता है जब आपका सर्कुलर पाथ में फॉलो करता है, बट ये सर्कुलर पाथ वाला केस थोड़ी था, ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ था और वहां पे अचानक से स्ट्रिंग टाइट हो रहा था, तो इसी वजह से ये सिचुएशन आया है. ठीक है, तो अभी आप अगर नोटिस करोगे तो यहां से सिर्फ और सिर्फ जो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है उसको लेके ही आगे बढ़ेगा ये. तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है, ये जो वी पैरल कॉम्पोनेंट, मतलब पैरल टू जो सर्कल है, इसको टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट कह लेते हैं, वी टी कह लेते हैं. तो ये वाली जो कॉम्पोनेंट आएगी आपकी आएगी वी कॉस ऑफ 37 डिग्री आएगी, तो इसी को लेके वो आगे बढ़ेगा. और अब इसको लेके आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी आपका बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जब आएगा ये वी नॉट हो जाएगा. तो ये निकालने के लिए अब आपको वापस से वर्क इन थ्योरम यूज करना पड़ेगा. तो यहां से यहां तक का ये हाइट आपको पता है, दिस इज 2 meter. तो अब यहां पे निकालने के लिए आप क्या करोगे, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी का स्क्वायर, टेंजेंशियल वाला कॉम्पोनेंट, इसका स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2 meter. समझ आइए आपको? आपको तो ये आ रहा है कितना आपके पास, 192 g/25, ये आपका v नॉट वैल्यू हो गया. ठीक है ना? यस सर, यस सर. अब देखो यहां से v नॉट मिल चुका है. अब एक बार अगर v नॉट मिल चुका है, ये वाला वैल्यू देखो तो क्या ये मतलब वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो रूट अंडर g, मतलब 5gr 2gr इससे कंपेयर करो, ताकि आपको पता चले कि कौन सा लाइन के आसपास रहने वाला है. तो सिंस रेडियस जो है वो आपको कितना पता है, रेडियस इज 5 meter ना, हाँ रेडियस 5 meter है. तो अगर आपको पता है इफ वी नॉट इज लेस देन रूट अंडर 2g/5, इट वोंट क्रॉस हॉरिजॉन्टल पोजिशन, इट वोंट क्रॉस हॉरिजॉन्टल पोजिशन, यही होगा ना सर, है ना सर? ये हॉरिजॉन्टल पोजिशन को क्रॉस नहीं करेगा अगर ये इससे छोटा रहा तो एक बार जस्ट कंपेयर करके देखो कि ये वैल्यू से छोटा है या बड़ा है. ये एग्जैक्टली देखो, ये रूट अंडर 10g है, दिख रहा है? रूट अंडर 2g/5 मतलब क्या हुआ, रूट अंडर 10g. हाँ सर, राइट? हाँ सर. और अगर देखोगे एक्चुअली जो वेलोसिटी है ये ग्रेटर देन है ना, दिस इज ग्रेटर देन रूट अंडर 2g/5, राइट? यस सर, यस सर. इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो ये हॉरिजॉन्टल पोजिशन क्रॉस करके जा रहा है, जा रहा है ना? ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग को तो क्रॉस करेगा ना, ये तो पता चल गया. हाँ सर, कर जाएगा. हाँ सर, कर जाएगा. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को अगर उसने क्रॉस कर गया है तो, बट ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, मतलब सर्कुलर का पूरा पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपको पता है कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो हमको वेलोसिटी चाहिए वो रूट अंडर 5gr चाहिए, याद है आपको? सर, है ना? ठीक है, तो अब इस केस में आपका देखो देखो एक चीज है कि ये 37 डिग्री जो इनिशियल पोजीशन से हमने स्टार्ट किया था वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगा, 37 से भी और कम रहेगा. समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि 37 डिग्री वाला पोजीशन तक तो तब पहुंचता ना जब इसका ये जो रेडियल कंपोनेंट है आपने उसको गायब नहीं किया होता. बट रेडियल कंपोनेंट गायब किया तो इसका मतलब एक पार्ट ऑफ एनर्जी तो उसने अपने सिस्टम का लॉस करवा दिया है ना,
तो इस केस में इनिशियल जो लाइन है, इनिशियल जो पोजीशन था बेसिकली, मतलब ये वाला लाइन की अगर हम बात कर, देखो ये से ये एक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये वाले लाइन के पास भी नहीं पहुंच पाएगा, ये लाइन के पास पहुंच नहीं पाएगा वो, आपको रियलाइजेशन हो रही है ये? आपको रियलाइजेशन हो रही है ये? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब हमें पहले तो ये पता है कि इफ एज जो आपका वी नॉट है वो ग्रेटर देन रूट अंडर 2gr है, 2g into 5 है, but less than root under 5g into 5 है, तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि स्ट्रिंग slacks somewhere in upward journey, ठीक है, और ये स्ट्रिंग कहां slack करेगा ये तो निकालने के लिए आपके पास तरीका पता है आपको, यहाँ पे मान लेते हैं कि स्ट्रिंग स्लैक कर रही है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं फिर से वैसे ही, तो ये एम जी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, टेंशन तो आपका जीरो हो जाएगा, टेंशन इज जीरो क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक कर रही है, और यहाँ पे कुछ एक वेलोसिटी हम भी दिखा देते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी आपने निकाल रखा है वी नॉट, ये था अपना रूट अंडर 292g/25, ये वेलोसिटी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो ये वेलोसिटी को हम आराम से अब निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, so ये v square will be v naught का square मतलब 292g/25 minus of 2g into r मतलब 5 into 1 plus cos theta, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 to 50 242 g/25 and minus of this will be I to the 10, 10 by 25 मतलब 2 by 5 g cos theta, ये आ रही velocity की value, this is the velocity का square, and आपको पता है कि angle theta है तो mg cos theta is equal to m v square by r होना चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल रहा है, ये r तो 2 by 5 g cos theta, अच्छा कुछ गलत किया क्या मैंने, फिर से 42 divided by 25, ये तो इसके साथ, अच्छा न्यूमरेटर में होता है ये, 25 इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, ट्वेंटी फाइव इज 10 अभी r की वैल्यू आपको पता है, ये r की वैल्यू 5 है तो ये 5 को लेफ्ट में लेके चले जा रहे हैं, तो ये 5g cos theta is equal to v square आना है, तो v square का वैल्यू इज 42g/25 and minus of 10g into cos theta. तो 10g cos theta को LHS में वापस लेके आ जाओ, g तो कट जाएगा, तो हो गया आपका 15, तो cos theta का वैल्यू हो गया 42/10 × 5 = 25 × 15, ये 3 का मल्टीपल है तो 3 × 5 और ये 14, तो हो रहा है 14/125, ये cos theta का वैल्यू हो गया. Once you have got cos theta, अब आपको ये पता है कि ये projectile हो जाएगा क्योंकि string slack कर चुका है, तो ये angle theta 90 minus theta ये वापस से theta हो जाएगा. तो इस केस में अब इसका जो path होगा वो क्या होगा? Parabolic हो जाएगा ना? होगा? हाँ sir, हाँ sir. ठीक है? ये circular है. This path is circular. But this is parabolic. ठीक है? तो ये वाली वेलोसिटी, ये वाली जो हाइट होगी इसके ऊपर, ये कितनी हो जाएगी? v sin थीटा का स्क्वायर बाय 2g, है ना? हाँ सर, इसी आपको
और इधर से ये वाला डिस्टेंस तो आपको पता है दिस इज एल कॉस थीटा, ठीक है ना। उसने देखो यहाँ पे क्या पूछा था हमसे, फाइंड द क्लोजेस्ट और फारदेस्ट दैट द बॉब कैन रीच विथ रिस्पेक्ट टू अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अच्छा ऑन द रिटर्न जर्नी, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, ऑन द रिटर्न जर्नी तो लिखना ही बोल दिया, दिस इज ऑन रिटर्न जर्नी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आते वक्त नहीं जाते वक्त की बात कर रहे हैं। तो इस केस में देखो तो आपका आंसर क्या होगा, एल कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g, होगा ही नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कौन सा, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यस सर, यस सर। और अगर आप नोटिस करोगे तो फार्देस्ट कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस ही तो है ना, ये फार्देस्ट है, देखो दिख रही है, दिस इज द फार्देस्ट, और ये तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि वेलोसिटी वगैरह सारा थीटा वगैरह तो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मिल जाएगा ना आपको। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर।